शाहिद आफरीदी के खिलाफ सोशल मीडिया पर मुहिम। इमरान रियाज और शाहिद आफरीदी आमने सामने आ गए। साबिक क्रिकेटर शाहिद खान आफरीदी को शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनने की मुबारकबाद देना पीटीआई के हामियों को एक आंख न भाया और उन्होंने शाहिद आफरीदी के रेस्टोरेंट की बॉयकॉट मुहिम का आगाज कर दिया। सहाफी और एंकर पर्सन इमरान रियाज खान ने भी कौमी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी को कड़ी तनकीद का निशाना बना डाला। एक्स अकाउंट पर जारी अपने एक बयान में इमरान रियाज ने कहा कि शाहिद आफरीदी को कौम ने सर आंखों पर बिठाया, मगर उन्होंने मुल्क लूटने वालों से लेकर मैंडेट चोरी करने वालों तक को मुबारकबाद दी। लोगों ने बर्दाश्त किया, मगर जब अपनी मकबूलियत की धुन में मगन शाहिद खान आफरीदी ने पाकिस्तान के सबसे बड़े अवामी लीडर पर खुलकर तनकीद करना शुरू की तो लोगों के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। इमरान रियाज ने मजीद कहा कि पाकिस्तान में शाहिद आफरीदी की तरह इनसे कमतर और उनसे बेहतर बहुत से स्टार्स मौजूद हैं जो आज भी मुख्तलिफ अंदाज में खुद को आवाम से जोड़े हुए हैं। सब की भी अपनी अपनी सियासी सोच है, मगर उनमें से किसी ने भी आवाम की दिल आजारी नहीं की, मगर शाहिद आफरीदी की नजरें शायद किसी और टारगेट पर मरकूज हैं। इमरान रियाज का ये भी कहना था कि औरतों के हसूल के लिए इज्जत दांव पर लगाना एक हीरो को जेब नहीं देता। अगर बोलना ही था तो शाहिद आफरीदी को जुल्म और जबर के खिलाफ बोलना चाहिए था ताकि जिन लोगों ने इसे प्यार दिया उनकी मोहब्बतों का हक अदा होता, मगर लाला ने हमेशा गलत शॉट खेल कर खुद को आउट करवाने की रिवायत बरकरार रखी। इमरान रियाज के बयान पर शाहिद आफरीदी भी खामोश ना रह सके और जवाब में ट्वीट करते हुए कहा, लाइक रीट्वीट व्यूज वगैरह के चक्कर में सच और झूठ में फर्क करना शायद मुश्किल हो गया है। एक सहाफी और ट्रोल में यही ही फर्क होता है कि सहाफी तहकीक करता है, बहुतान तराशी तो सबसे आसान काम है। मैं आज भी अपनी बात पर कायम है कि इमरान भाई मेरे रोल मॉडल थे जिन्हें देख कर मैंने क्रिकेट शुरू की, वरना मैं क्रिकेटर ना होता। झूठ और प्रोपेगेंडा की वजह से ना मेरा मौका बदलेगा और ना ही इससे तहरीक इंसाफ या इमरान खान की कोई खिदमत होगी।